दोस्तों, आप लोगों ने चार धाम जरूर सुना होगा और चार धामों में से एक धाम है द्वारिका धाम, जो गुजरात में है। तो आज मैं आप लोगों को द्वारका के बारे में कुछ बताऊंगा, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे उखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के चार धाम में से एक धाम है। यहाँ श्री कृष्ण ने प्राचीन राज्य द्वारका का मुख्य स्थल है और इसे गुजरात के सर्वप्रथम राजधानी भी माना जाता है। ये सप्तपुरी में से एक पुरी भी है। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। द्वारका भारत के सात सबसे प्राचीन शहर में से एक शहर है। आज तक ये तय नहीं हो पाया कि ये वही नगरी है अथवा नहीं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जिस नगरी को बसाया था। आज भी यहां वैज्ञानिक स्कूबा ड्राइविंग के जरिए समुद्र के गहरियों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी आज भी समुद्र के नीचे बसी हुई है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि श्री कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका में आए थे, जहाँ पे उन्होंने बहुत साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल भी नष्ट हो गया। यहाँ आज भी कई बड़े मंदिर स्थित है, जहाँ पे भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें द्वारकाधीश एक बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की स्वयंवरनी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर के जगह पहले निजी महल और हरिगृह था। आइए जानते हैं द्वारका में और कौन सी खूबसूरत जगह है जिसे देखने के लिए आपको अपने ज़िंदगी में कम से कम एक बार गुजरात के द्वारका जरूर आना चाहिए। मंदिरों का ध्वज दिन में 5 बार बदलते हैं। भारत में अन्य किसी मंदिर में इतने बार ऐसा ध्वज इतने बार नहीं बदला जाता है। परिवारों में से कोई भी एक मंदिर को जो है ध्वज प्रज्वलित करता है और वो इसे जुलूस समय पे लाते हैं। ध्वज को संबंधित लोगों को सौंप दिया जाता है और मुख्य गर्भगृह के शीर्ष तक पहुँचाते हैं और इसे बदलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के 52 गज के ध्वज को दिन में 5 बार अर्थात सुबह 3 बार और शाम को 2 बार बदला जाता है। ये देखना वास्तव में एक बहुत अनोखा अनुभव है। द्वारका जाने के लिए लोग आमतौर पर पेट द्वारका में कृष्ण मंदिर भी जाते हैं। ये मंदिर द्वारका शहर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है और इस मंदिर में जाने के लिए एक फेरी राइड पर्यटकों को बहुत ज़रूरी लेना पड़ता है। अभी बाद में जो भी अभी रास्ता बन रहा है उसके बाद हो सकता है, बाद में नहीं है, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो एक ये आपको राइड लेना पड़ेगा, तभी आप पेट द्वारका पहुंच सकते हैं। पेट द्वारका जो है चारों तरफ से दीपों से घिरा हुआ है, इसलिए द्वारका में करने वाली शीर्ष चीज़ों में से ये एक देखने लायक मंदिर है और आप सभी को इसी वजह से एक बार जरूर भेट द्वारका भी जाना चाहिए। ये एक ऐसे जगह है जहाँ पे आपको एक सुंदर सूर्योदय और एक आश्चर्यजनक सूर्यास्त दोनों ही लगभग एक ही स्थान पर आप देख सकते हैं। सूर्योदय के लिए सुदामा सेतु पर खड़े होके इससे बेहतर जो आप देख सकते हैं और कोई भी जगह ऐसा नहीं है। गोमती नदी के किनारे से जुड़ने वाला केवल एक पुल है जहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही एक ही जगह से बहुत ही आराम से आपको दर्शन हो सकता है। पुल के पास नदी के सामने बैठने वाले का एक साफ सुथरे बेंचों के साथ कहीं जगह है, जहाँ पे पैदल मार्ग में लोग ये दर्शन करने के लिए हर दिन शाम को जाते हैं। जब आप एक नदी या महासागर के करीब होते हैं तो सूर्यास्त का गायब होना सबसे बड़ा आश्चर्य का दृश्य होता है, लेकिन जब आप द्वारका में होते हैं तो आपको बटकेश्वर महादेव मंदिर के नीचे जाने वाले सूरज का आनंद ले सकते हैं।
इस मंदिर से शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। सूर्यास्त देखना और ऊंची चट्टानों पर बसे शहर के दृश्य का आनंद लेना द्वारका के सबसे रोचक अनुभवों में से एक है। द्वारका शहर में सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है बटगेश्वर महादेव के मंदिर। ये एक प्राचीन और छोटा मंदिर है जो किसी समय एक द्वीप हुआ करता था, और इस मंदिर के शेयर करने के लिए समुद्र पर सूर्यास्त का एक अवधारित दृश्य आप देख सकते हैं। अक्टूबर के लास्ट से लेकर फरवरी महीने तक आप स्कूबा ड्राइविंग के थ्रू भी अंदर समुद्र के नीचे भी द्वारका का जो पुराना द्वारका है जो श्री कृष्ण के समय पे है उसका भी आप दर्शन देख सकते हैं। द्वारका में आप एक द्वारका तट के किनारे सुंदर शाम के समय टहलने का आनंद भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप शिव और शंख भी इकट्ठा कर सकते हैं और किनारे पर एक किताब लेके आराम से बैठ के वहाँ पे अपना आराम भी कर सकते हैं। तीर्थयात्रियों को समुद्र तट पर स्नान करते हुए भी और तैरते हुए देखना भी एक बहुत ही प्यारा अनुभव हो सकता है। सो इसीलिए मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना समय निकल के द्वारका ज़रूर घूमने के लिए जाएं। द्वारका में ये मंदिर छोड़ के और भी जो अच्छे जगह है जहाँ पे आप दर्शन के लिए जा सकते हैं, सबसे मेन तो है आपका द्वारकाधीश मंदिर। इसके सिवा सुदामा सेतु जो अभी बंद है लेकिन बहुत जल्दी इसका भी ओपनिंग हो जाएगा। इसके सिवा आप गोपी तालाब भी जा सकते हैं, बटकेश्वर मंदिर, रुक्मणी देवी मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो ये रहा द्वारका के बारे में काफ़ी जानकारी जो आपको ज़रूर आई अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छे वीडियो और जानकारी मैं आपको ऐसे ही देता रहूँगा। धन्यवाद।